बाजपौली पुलिस थाना अंतर्गत एक गोवंश तस्करी का मामला उजागर हुआ है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 11 गोवंश जानवर बरामद किए गए हैं और अपराधियों की तलाश जारी है। गोवंश कत्ल के विरोध में कड़े कानून होने के बावजूद इन प्रतिबंधों को तोड़ते हुए कई अराजक तत्व गोवंश की तस्करी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में बाजपौली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिस्मिल्ला नगर और टेकानाका परिसर में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 8 गाय और 3 गोरे बरामद किए गए हैं, जिनके विषय में गुप्त जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बिस्मिल्ला नगर और टेकानाका परिसर में गोवंश तस्करी का काला धंधा चला रहे हैं, जिसके बाद बाजपौली पुलिस थाना अंतर्गत डीबी पदक और मार्शल की कार्रवाई में संबंधित ठिकाने पर कार्रवाई की गई, जहां 8 गाय और 3 गोरे निष्पन्न हुए हैं, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है, जिसके चलते मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश जारी है और आगे की जांच जारी है, जिसके विषय में जानकारी दी बाजपौली पुलिस थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण सोमवंशी ने। आज सकाळी गोपनीय बातमीदारांमार्फत आमच्या पोलीस स्टेशनला माहिती भेटली की बिस्मिल्ला नगर टेकानाका या ठिकाणी काही लोकांनी अवैधरित्या गाई आणून डांबून ठेवलेल्या आहेत, ज्यांची की ते पुढे कत्तल करणार आहेत। अशा अवैधरितीच्या गाईंची कत्तल होणार आहे अशी माहिती मिळाली असता रात्र ड्युटी ऑफिसर PSI राजेंद्र डोंगरे आणि त्यांच्यासोबत DB पथकाचे कर्मचारी तसेच बीट मार्शल यांनी जाऊन त्या ठिकाणी सकाळी 8:30 ते 10 वाजण्याच्या दरम्यान छापा टाकला असता त्या ठिकाणी 8 गाई आणि 3 गोरे असे एकूण 11 गोवंश जातीची जनावरे अतिशय निर्दयी आणि क्रूरतेने बांधलेल्या अवस्थेमध्ये डांबून ठेवलेल्या अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी मिळून आले। त्यावेळी त्या ठिकाणी पंचासमक्ष छापा टाकून कारवाई करण्यात आली आहे। त्यामध्ये एकूण 11 जनावरे गोवंशाची जनावरे जप्त करण्यात आली असून 2 आरोपींना या ठिकाणी डिटेन करण्यात आलेलं आहे। अताउल्ला खान आणि मकसूद कुरेशी असे त्या आरोपींचे नाव आहेत। सध्या आरोपींचा शोध चालू आहे आणि आरोपींचा शोध घेऊन पुढील कारवाई करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। नाही, आरोपी अद्याप अटक झालेले नाहीत, आरोपी शोध कमी टीम पाठवलेली आहे, आरोपी मिळून आल्यानंतर त्याच्यावरती पुढील कारवाई करण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।